तो दोस्तों मार्केट में शिबाइनू के शिबीरियम की लॉन्च डेट नज़दीक आती जा रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं शिबीरियम से रिलेटेड हमें काफ़ी सारी अपडेट्स इसके इकोसिस्टम के अंदर रेगुलर बेसिस पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर सबसे पहली अपडेट की तरफ अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शिबाइनू के जो फाइनल अपडेट्स है उस पर यहाँ पर काम चलता दिखाई दे रहा है, जहाँ पर लॉन्च से पहले अब पूरी तरह से इसको ओके डन करके ये लोग पब्लिश करते नजर आएंगे। नाउ नोट्स ने भी यहाँ पर एक अच्छा खासा ट्वीट कर दिया है, जहाँ पर काफ़ी सारी अपडेट्स और काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में इस ट्वीट में हमें देखने को मिल चुका है। इसी के साथ में यहाँ पर शिबीरियम ने एक नए माइलस्टोन को भी अचीव कर लिया है, उसके बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं और साथ ही में बात करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर शिबीरियम शिबाइनू के प्राइस को और भी ज़्यादा पंप करता नजर आ सकता है अगर एक बड़ा अपडेट इसके इकोसिस्टम में हमें देखने को मिल जाता है। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में हम देने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ में क्रिप्टो से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल द क्रिप्टो बाइट को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और साथ ही में हमारे टेलीग्राम ग्रुप और ट्विटर हैंडल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वहाँ पर भी हम इसी तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर देते रहते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्रिप्टो बाइट और आज हम लोग बात करने वाले हैं शिबाइनू यानी कि शिब के बारे में। दोस्तों पिछले कुछ महीने शिबाइनू के लिए काफी ज्यादा मुश्किल रहे, उसका रीजन यहाँ पर यह था कि मार्केट में हमें बेरिश ट्रेंड देखने को मिला, जहाँ पर शिबाइनू का प्राइस भी काफी ज्यादा नीचे आ गया था। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर डेवलपमेंट्स की तो डेवलपमेंट्स हमें पूरी तरह से ग्रो करती दिखाई दी, जहाँ पर इसकी टीम ने अब एक नई डेवलपमेंट ला दी है, इसका वॉलेट लॉन्च कर दिया है और अब यहाँ पर शिबीरियम से रिलेटेड भी काफी सारी अपडेट्स हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने सबसे पहली रिपोर्ट में बताया कि यहाँ पर शिबीरियम अंडरगोइंग फाइनल अपडेट्स बिफोर लॉन्च, यानी कि अब यहाँ पर शिबाइनू के लॉन्च से पहले सभी फाइनल अपडेट्स को पूरी तरह से क्लियर किया जा रहा है, पूरी तरह से डन किया जा रहा है ताकि इसे जल्द से जल्द लॉन्च किया जा सके। यहाँ पर नाउ नोट्स के साथ जिस तरह से शिबाइनू ने रिसेंटली पार्टनरशिप की थी, वही नाउ नोट्स यहाँ पर एक ट्वीट करता नजर आया जिसमें फाइनल अपडेट्स फ्रॉम मेनियट लॉन्च इट्स क्लोजर देन यू थिंक, यानी कि हो सकता है कि टोरंटो की कॉन्फ्रेंस से पहले ही हमें शिबीरियम मेनियट लॉन्च होता नजर आए। इस ट्वीट में आप क्लियरली देख सकते हैं कि स्टेज 3 का जो रोड मैप है वो पूरी तरह से बिल्ड हो चुका है, साथ ही में यहाँ पर शिबीरियम को लॉन्च करने की प्रिपरेशन चालू हो गई है। इसी के साथ में एज सून एज टर्म्स आर फाइनलाइज्ड वी आर रेडी टू अनाउंस आवर फर्स्ट ऑफिशियल पार्टनर दैट विल इंटीग्रेट शिबीरियम RPC नोट्स, यानी कि शिबीरियम की अब नाउ नोट्स के साथ पहली पार्टनरशिप हमें देखने को मिलने वाली है। इसी के साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं शिबीरियम ने एक नए माइलस्टोन को भी अचीव कर लिया है। हर हफ्ते हमें ये मेनियट एक नए माइलस्टोन को अचीव करता नजर आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल जो मार्क है ऑलमोस्ट 31 मिलियन का इसने अचीव कर लिया है। कुछ ही दिनों पहले हमें 25 फिर 30 फिर अब 31 मिलियन का माइलस्टोन अचीव करता नजर आया। टोटल ट्रांजेक्शन यानी कि ऑलमोस्ट 31 मिलियन पूरे हो चुके हैं। इसी के साथ में अगर हम टोटल ब्लॉक्स की बात करें तो यहाँ पर 1.7 मिलियन टोटल ब्लॉक्स भी पूरे हो चुके हैं और वॉलेट एड्रेसेस ऑलमोस्ट 17 मिलियन वॉलेट एड्रेसेस यहाँ पर क्रिएट किए जा चुके हैं। डेली ट्रांजेक्शन की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 2.5 मिलियन डेली ट्रांजेक्शन हमें शिबीरियम मिनियट पर देखने को मिल रहे हैं। बर्निंग भी काफी ज्यादा तेजी से हो रही है और इसी के साथ में यहाँ पर जो सबसे बड़ी अपडेट है वो यही है कि अगर शिबाइनू कॉइन अपने इकोसिस्टम में ऑलमोस्ट 5 ट्रिलियन टोकन को रेगुलरली बर्न करता नजर आता है तो यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बुलरन में शिबाइनू कॉइन का प्राइस आसमान छू सकता है, यानी कि ये कॉइन हमें कम से कम 1 सेंट तक जाता दिखाई देगा। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि ऑलमोस्ट 1 रुपए तक जाने के लिए शिबाइनू को कम से कम 17 साल का समय लग सकता है अगर मार्केट में हमें कोई भी बुल रैली देखने को नहीं मिलती है। ऐसा बिल्कुल होगा नहीं, लेकिन अगर हम बात करें इस बेरिश मार्केट की तो इस बेरिश मार्केट के अंदर जिस तरह से शिबाइनू कॉइन ने पिछले 1 साल के अंदर अपने प्राइस में ऑलमोस्ट 35% का डाउनफॉल दिखा दिया है, उसको देखते हुए यहाँ पर इस तरह से एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है कि ऑलमोस्ट 17 साल का समय लग सकता है इस कॉइन को 1 रुपए तक पहुंचने के लिए। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर शिबीरियम मीनिंग की तो जिस तरह से ज्यादा कॉइन्स अगर शिबाइनू बर्न करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो यहाँ पर शिबाइनू का प्राइस आराम से जल्द बढ़ता दिखाई देगा और अगर हर महीने 5 ट्रिलियन टोकन्स बर्न होते हैं तब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा हमें माइलस्टोन अचीव होता नजर आएगा, जहाँ पर ऑलमोस्ट 60 ट्रिलियन टोकन्स हर साल बर्न होंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा ह्यूज है। ट्रिलियंस में जैसा कि सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बर्निंग हमें देखने को मिलेगी, वैसा ही कुछ हमें शिबीरियम के लॉन्च के बाद देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 589 ट्रिलियन की इसकी टोटल सप्लाई है और इस अपडेट के आते ही अगर 60 ट्रिलियन सप्लाई पूरी तरह से बर्न हो जाती है केवल 1 साल के अंदर तो यहाँ पर इसकी सप्लाई जो है वो घटकर ऑलमोस्ट 529 ट्रिलियन की रह जाएगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है कंपेयर टू प्रीवियस सर्कुलेटिंग सप्लाई। करंट सर्कुलेटिंग
रिमेनिंग सप्लाई। यहाँ पर शिबेरियम का जो लॉन्च है वो जल्द से जल्द हमें देखने को मिल सकता है, कभी भी यहाँ पर ये लॉन्च हो सकता है। 15 से 16 तारीख की डेट जरूर दी गई है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि पहले ही इट्स क्लोजर देन यू थिंक, यानी कि हो सकता है पहले ही इस मिनियट को लॉन्च कर दिया जाए। तो ये थी मेरी आज की एक छोटी सी अपडेट शिबेरियम के लिए, जिसमें अगर शिबेरियम 5 trillion टोकन को पूरी तरह से बर्न करने में सक्सेसफुल हो जाता है हर महीने, तो यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ये कॉइन हमें बुल रन आने पर एक बहुत ही अच्छे प्राइस पॉइंट पर जाता दिखाई दे। होप आपको मेरे इस वीडियो ने शिप से रिलेटेड करंटली सारी इन्फॉर्मेशन दी होगी। अगर दी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल द क्रिप्टो बाइट को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और साथ ही में हमारे टेलीग्राम ग्रुप और ट्विटर हैंडल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वहां पर भी हम इसी तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर देते रहते हैं। कल फिर मिलेंगे क्रिप्टो की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।